हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है WTO का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसके डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर कोई नहीं, आराम से ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो WTO के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि WTO कैसे आया। WTO GATT के लास्ट राउंड उरुग्वे राउंड में आया, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि अब हम GATT को हटाएंगे और WTO को लाएंगे, ठीक है। और इसके 164 मेंबर हैं। ये सब मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है, जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ जा कर के देखें। और तो अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा WTO का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर, सबसे टॉप लेवल में आ जाता है हमारा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ये एक तरीके की मीटिंग है जो कि हर 2 साल में होती है। फिर आ जाता है हमारा जनरल काउंसिल, जो कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह भी काम करती है और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू की तरह भी काम करती है। तीनों एक ही चीज़ें हैं, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। और फिर हमारी आ जाती हैं ये तीनों काउंसिल, जो कि काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एक्सपर्ट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, यानी गुड्स सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए काउंसिल बनाई गई हैं। ये काउंसिल 3 तरीके की है जनरल काउंसिल, ठीक है। जनरल काउंसिल 2 तरीके से काम करता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एंड एज अ ट्रेड रिव्यू पॉलिसी के जैसे काम करता है। तो हम पहले देखते हैं कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है, राइट। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है WTO का, उसमें सबसे ऊपर आती है, मैंने पहले ही बता दिया। और जितने भी सारे डिसीजंस होते हैं, जिस सारे मैटर्स में, वो कहाँ लिए जाते हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में लिए जाते हैं। और ये रिप्रेजेंट किनके द्वारा की जाती है, सारे मेंबर्स के द्वारा की जाती है। हर 2 साल में ये कॉन्फ्रेंस होती है और ये एक तरीके की कॉन्फ्रेंस है या मीटिंग कह लो इसे, जिसमें सारे मेंबर कंट्रीज़ इसमें क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। फिर आ जाते हैं जनरल काउंसिल में। जनरल काउंसिल क्या है, ये एक रियल इंजन है हमारा WTO का, जो कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बिहाफ में काम करता है। अब ये काम कैसे करता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह, यानी जो भी इश्यूज होंगे, जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उसका सेटलमेंट करेगा। और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, जो भी ट्रेड चल रहा है, जो भी पॉलिसी है ट्रेड के लिए, उसको रिव्यू करेगा कि वो कैसे चल रही है, कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जनरल काउंसिल करेगा। 3 काउंसिल्स हैं मैंने बताया, ट्रेड के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए जिसको ट्रिप्स भी कहते हैं, और ट्रेड इन गुड्स के लिए है, ठीक है। और 3 कमेटी बिठाई जाती हैं इसमें, कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कमेटी ऑन BOP रेस्ट्रिक्शंस बैलेंस ऑफ पेमेंट, और कमेटी ऑन बजट फिनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये काम कहाँ से करता है जनरल काउंसिल, जनरल काउंसिल जो है वो जनेवा से काम करता है, इट इज़ सिचुएटेड ऑन जनेवा। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द WTO इज कंडक्टेड बाय द सेक्रेटरीट, विच इज़ हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस फॉर 4 ईयर्स। यानी कि देखो, एक बार रीड करना ज़रूरी रहता है, इसलिए मैं रीड कर देती हूँ और बाकी मैं ऊपर ऊपर ही बताती हूँ कि जिससे बहुत बोर ना हो, है ना। तो WTO क्या है कि किसके द्वारा चलाया जाता है, सेक्रेटरीट के द्वारा चलाया जाता है, जिसे कौन हेड करता है, DG हेड करता है, यानी डायरेक्टर जनरल, जिसे कि 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। फिर इन्हें असिस्ट कौन करते हैं, 4 डिप्टी डायरेक्टर इन्हें क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, जो कि वो कहाँ के होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के होते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो कि हमने पढ़ी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और जनरल काउंसिल के बारे में, कि WTO क्या है, ये एक मेंबर ड्रिवन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मेंबर्स के द्वारा बनाया गया इंस्टीट्यूशन है ये। और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेगोशिएशन एग्रीमेंट्स की, और इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो सारे मेंबर्स की, उनकी खुद की रहती है, और वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी झगड़े होंगे, या फिर जो भी वो एग्रीमेंट बनाएंगे, जो भी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो खुद ही इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नो एग्जीक्यूटिव बॉडी, कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है,
सेक्रेटरिएट के द्वारा चलाया जाता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, सेक्रेटरिएट के द्वारा चलाया जाता है, और जिसे कि हेड कौन करता है, डायरेक्टर जनरल करता है। तो कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है इसके लिए सेक्रेटरिएट के द्वारा, मतलब ये खुद ही क्या करते हैं, खुद ही इनके मेंबर बनते हैं, खुद ही चलाते हैं, खुद ही अपने झगड़ों को सॉल्व करते हैं। तो इट इज़ डन बाय द मेंबर इट इज़ डन बाय द मेंबर एंड फॉर द मेंबर्स, राइट। अब हम पढ़ते हैं कि, और हाँ, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है WTO की, ये भी हम देख ही चुके हैं, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्योरी में जो हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि कैसा है इसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस WTO का, कि वोटिंग प्रोसीजर है इसमें, कि सारी कंट्रीज आएंगी, कुछ भी डिसीजंस अगर लेती हैं तो वोटिंग के द्वारा उसे डिसाइड किया जाता है कि जितनी कंट्रीज ने, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होगी वही डिसीजन मान्य होगा, ठीक है। एवरी कंट्री वन वन वोट, यानी हर कंट्री को एक एक वोट दिया गया है। डिसीजन सिंपल बाय मेजोरिटी, मेजोरिटी के द्वारा जो भी होगा डिसाइड कर लिया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है, प्रैक्टिस में क्या होता है कि गेट स्टाइल कॉन्सेंसस मेथड, गेट स्टाइल कॉन्सेंसस मेथड, यानी कि WTO ने क्या किया है कि WTO ने जो गेट में मेथड, जो गेट जो था, गेट क्या था, गेट एक एग्रीमेंट था जो कि गेट में कॉन्सेंसस मेथड यूज़ किया जाता था, वही मेथड यहाँ WTO ने भी कॉपी कर लिया, वही मेथड वे लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है मैं बता देती हूँ कि इसमें एक छोटा सा ग्रुप आता है एक जगह पे, जिसको ग्रीन रूम मीटिंग कहते हैं, एक जगह पे ये लोग इकट्ठा होते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और उसी मीटिंग में डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये हमारा गैट स्टाइल कंसेंसस मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत ही कम कंट्रीज क्या होती हैं, इनवाइटेड होती हैं कि आए और उस जो भी डिस्प्यूट है, जो भी नेगोशिएशन के बारे में जो भी डिस्कशन करना है, उसमें बहुत कम कंट्रीज आती हैं और वो डिसीजन लेती हैं, ठीक है। फिर है हमारा प्रिंसिपल सप्लायर प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल सप्लायर वाले में क्या होता है कि जैसे मान लो दो कंट्रीज हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान है। तो अगर मान लो, अगर इंडिया को ये डिसाइड करना है कि वो क्या टैरिफ चार्ज करे इम्पोर्ट में, ठीक है, तो वो जा करके वो सीधे उस कंट्री के पास जाएगा और जो भी नेगोशिएशन वो नेगोशिएट कर लेगा उसके टैरिफ एंड टर्म्स के बारे में, और फिर वो चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये आपस में ही मतलब आपस में जा करके ये डिसाइड कर लेते हैं, इसी को बोला गया है प्रिंसिपल सप्लायर प्रिंसिपल मैथड, ठीक है, समझ में आया। फिर आता है हमारा ग्रीन रूम मीटिंग। ग्रीन रूम मीटिंग क्या होता है, जहाँ पे कंसेंसस मेथड को अप्लाई किया जाता है, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं अलग अलग कंट्रीज के और डिस्प्यूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा कि ये इनफॉर्मल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। ये क्या है, ये डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को हर्ट कर सकती है, ठीक है। जो जैसे मान लो WTO में जितने मेंबर हैं, कुछ बहुत स्ट्रांग कंपनियां हैं, मतलब सॉरी कंट्रीज हैं, और कुछ क्या है, बहुत वीक कंट्रीज हैं, ठीक है। मोस्टली जितने आधे से अधिक कंट्री क्या है, स्ट्रांग है, और बहुत, तो ऐसा होता है ना कि जितनी भी स्ट्रांग कंट्रीज हैं वो अपने बारे में सोचती हैं, वो अपना ध्यान में रख करके डिसीजन लेती हैं, तो जो बेचारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं, ठीक है। देयर इज़ अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन होल प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, और क्योंकि पता ही नहीं चल पाता ना बाकी की कंट्रीज को, और मैनी अ टाइम डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट कंसल्टेड इन द कंसेंसस बिल्डिंग प्रोसेस। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कंसेंसस मेथड में क्या होता है कि कई सारी कंट्रीज आती हैं और इकट्ठा होती हैं और फिर डिस्प्यूट के बारे में बात करती हैं, लेकिन इस कई बार क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को छोड़ दिया जाता है डेवलप्ड कंट्रियों के द्वारा, जो स्ट्रांग कंट्री हैं वो छोड़ देती हैं वीक कंट्रीज को, फिर
फिर से यही चीज़ बोली है कि दे आर नॉट इन्वाइटेड इन द ग्रीन मीटिंग रूम, यस जहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं वहाँ पे ये इन्वाइटेड ही नहीं होते हैं. तो ये सारा डिसीजन मेकिंग कैसा है, इनफॉर्मल है. बस इसमें एक ही चीज़ अच्छी है, प्रिंसिपल सप्लायर मेथड, जिसमें कि हम दूसरी कंट्री के पास जा करके डिस्कस कर लेंगे, नेगोशिएट कर लेंगे जो भी चार्जेस होंगे. ये इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी. फिर हम पढ़ते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म. तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, धीरे धीरे समझते चलेंगे, ठीक है. जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई झगड़ा है, ठीक है, कोई डिस्प्यूट है, कोई लड़ाई नहीं, मान लो कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड. तो उन्हें टाइम दिया जाएगा, कितने दिन का, 60 डेज का. कंसल्टेशन का टाइम ये दिया जाएगा. क्यों दिया जाएगा, कि आपस में भाई कंसल्ट कर लो, जो भी इशू है, जो भी डिस्प्यूट है वो दूर कर लो, है ना, म्यूचुअल कंसल्टेशन के लिए. अगर फिर भी बात नहीं बनती तो एक पैनल की स्थापना होगी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैनल 45 डेज में, ठीक है. फिर ये पैनल क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा. रिपोर्ट में क्या होगा कि किस बारे में इनका झगड़ा चल रहा है, ट्रेड की क्या प्रॉब्लम है, या किस चीज़ का इन्हें दिक्कत आ रही है, उसके बारे में ये रिपोर्ट तैयार करेंगे. और ये रिपोर्ट किसको देंगे, सबमिट करेंगे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को. मैंने बताया था कि डिस्प्यूट से जो जनरल काउंसिल होती है वो कैसे काम करती है. जनरल काउंसिल जो होती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह काम करती है, एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू. तो जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी पैनल के द्वारा, वो किसे दी जाएगी, डीएसबी को, यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को, जनरल काउंसिल में, ठीक है. तो क्या मैंने बताया कि कंसल्ट करेंगे इंडिया पाकिस्तान कि भाई किस चीज़ के लिए झगड़ा चल रहा है. फिर पैनल की स्थापना होगी, फिर पैनल के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी, रिपोर्ट दी जाएगी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को. फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी क्या कर, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को जब रिपोर्ट दे दी जाएगी कि इस बारे में इनका झगड़ा चल रहा है, ऐसा ऐसा है, तो मान लो कि अगर मान लो इंडिया को कोई शिकायत है कि उस वो ये अपना जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है अपना फैसला सुनाएगी. और मान लो अगर इंडिया को शिकायत है कि भाई ये इनके फेवर में नहीं है, या कुछ मिसिंग है, या सही डिसीजन नहीं है, तो क्या होता है कि वहाँ पे एपलेट अथॉरिटी रहती है, जहाँ पे हम अपील कर सकते हैं उस डिसीजंस के अगेंस्ट, कि एक बार फिर से देखिए, फिर से सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है. तो फिर से उन्हें डिसाइड करना पड़ता है कि अब क्या है. फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एक फिर से रिपोर्ट तैयार करती है, फिर जिसमें फैसला सुनाएगी. तो फैसले दो तरीके से होते हैं, एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन, दूसरा क्या है, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन. अब जैसे मान लो इन्होंने मान लिया कि यस इंडिया की गलती नहीं है, गलती किसकी है, पाकिस्तान की है, ठीक है. तो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बोलेगी पाकिस्तान को कि आप क्या है कि रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करिए, यानी जो भी रिकमेंडेशन, जो भी सलाह दी जाएगी पाकिस्तान को कि आप ये सुधार लाइए, या जो भी नुकसान इंडिया को हुआ है उसको कंपेंसेट करिए. तो एक ये होगा. और अगर मान लो कि पाकिस्तान ये बात नहीं मानता, अब कह देता है कि मैं नहीं मानूंगा, जो करना है कर लो, तो इसके लिए भी एक और चीज़ होती है कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन. इस केस में क्या होता है कि ये पावर दे देंगे इंडिया को किस चीज़ का, रिटेलिएशन का. यस रिटेलिएशन, जो कि बेस्ट, बहुत अच्छी चीज़ें बताती हूँ मैं, कि अगर ये अगर जैसे पाकिस्तान बोल दिया कि मैं कंपनसेट नहीं करूँगा, तो क्या करेगी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, क्या करेगी, पावर दे देगी इंडिया को रिटेलिएशन का. रिटेलिएशन में क्या होता है कि इंडिया क्या कर सकता है, कि इंडिया क्या करेगा कि इसके जो टैरिफ होंगे, टैरिफ बढ़ा देगा, इनसे इंपोर्ट करना बंद कर देगा, और ऐसा करेगा कि मतलब कोई भी चीज़ें इनके यहाँ ना जाए, पाकिस्तान में ना जाए, या पाकिस्तान की बात मानेगा ही नहीं, है ना. सीधे सीधे अगर टैरिफ चार्जेस बढ़ा देगा तो वहाँ से कोई सामान ही नहीं आएगा, एक तरीके से नुकसान होगा ना. तो ये पावर दे देता है रिटेलिएशन का. तो रिटेलिएशन क्या करती है, रिटेलिएशन जो है वो किसी कंट्री को और ज़्यादा
मजबूत बना देती है अगर अगर उसके साथ कोई नाइंसाफी हुई है तो ये था हमारा डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। आज हमने तीन चीज़ें पढ़ ली, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दूसरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तीसरा है हमारा डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।